स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा किचन रेसिपी में। आज मैं आपको सिखाऊंगी झटपट टेस्टी चने की दाल की सब्जी। बताने जा रही हूँ चने की सब्जी में कौन कौन सी सामग्री हम खाएंगे। हमने यहाँ पे लिया है 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्ची कटी हुई बारीक और लहसुन का पेस्ट। पहले चाहिए हमको जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया और हल्दी पाउडर, ये मसाला चाहिए हमको। मैंने लिया यहाँ पे कुकर, कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे इसमें। ये चने की दाल है, मैंने 2 कप लिए यहाँ पे, 2 घंटे पहले इसको भिगोई है। थोड़ा सा आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं पहले, थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ा सा पकाएंगे हरी मिर्ची को तेल के अंदर। अब डालेंगे इसमें टमाटर। अब टमाटर और हरी मिर्ची को अच्छे से हिलाकर पका लेंगे। अब इसमें डालती हूँ चने की दाल। मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची। अब थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। 1 कप पानी डाल देते हैं इसमें। आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर को बंद कर देते हैं सीटी आने तक। ये हमारी चने की सब्जी तैयार हो चुकी है। 2 सीटी लगाई है इसमें। अब देखो बड़ी यम्मी है, टेस्टी है खाने में। ये हमारी चने की सब्जी तैयार हो गई है बनकर और बहुत अच्छी है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। घर में इस सब्जी का ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी ये खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।